नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। सेना दिवस के अवसर पर सुजानपुर में सर्व कल्याणकारी संस्था के सहयोग से पूर्व सैनिक सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। समारोह में सर्व कल्याणकारी संस्था के अध्यक्ष एवं सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने की शिरकत। नैना देवी से कांग्रेस पार्टी विधायक रामलाल ठाकुर को कांग्रेस हाईकमान द्वारा सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में रामलाल ठाकुर को दो जिलों का प्रभारी किया गया नियुक्त। नौकरी का झांसा देकर 20 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने के मामले में अब तक ज्वालामुखी की पुलिस 6 लोगों को कर चुकी गिरफ्तार। आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट के आदेशानुसार आरोपियों को भेजा गया पुलिस रिमांड पर। गंज बाजार सरकारी राशन डिपो संचालक को विभाग ने जारी किया नोटिस। राशन डिपो संचालक की ग्राहकों ने अधिकारियों से मनमानी को लेकर की थी शिकायत। एक घंटे की बजाय 2 घंटे लंच टाइम के नाम पर बंद रखा जाता है राशन डिपो।